शुभ संध्या। हाँ, शुभ संध्या सर। नमस्कार नमस्कार। वाही जी, नमस्कार हमारे मित्र आ गए जी। हैं। सर अनम्यूट करें, अनम्यूट अनम्यूट करें। और एक मिनट सर, वो अनम्यूट नहीं हुआ है। वाही जी सर सर अनम्यूट। आप हाँ, मैंने अनम्यूट अब अनम्यूट कर दिया। हाँ हाँ सर, कर शुभ संध्या दिया आप अभी। लोग। सर हाँ शुभ संध्या। अब अनम्यूट तो हैप्पी, कर लिया, अब तो आवाज आ गई ना। सर हैप्पी बर्थडे टू यू सर। आपका अच्छा, इनका जन्मदिन है आज। क्या थैंक बात यू है लॉर्ड। सर, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अंग्रेजी नहीं, अत्यंत अत्यंत धन्यवाद। मैं आप सबका अरे आभारी हूँ। मुझे जैसे हिंदी तो बाहर आ गया, मुझे लगता है ये क्या हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा है। क्योंकि अब अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन हम अंग्रेज को नहीं छोड़ना चाहते। चलो अभी सेमिनार है तो अंग्रेजी चलेगा, लेकिन हम एक दूसरे जो संपर्क करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो अपनी भाषा में करें। हाँ और सर कैसे हाँ हो? मुझे लगता है कि सुशील वत्स जी भी हैं। हाँ, हाँ सर, अच्छा आज है सुशील वत्स हैं आज। सुशील लगता वत्स अभी आ है जानती गए, हो। पिछली बार भी बढ़िया, आए सुशील थे, मैंने उनको वत्स जी आप भेजा अनम्यूट कीजिए। था। पिछली बार मैं उनको भेजा तो मैं आऊंगा सर, मैं भूल गया। तो ऐसे ही डॉक्टर होता है। हाँ सुशील सुशील वत्स आप हैं। हमने मैं अभी सुशील, कहीं गया हुआ था, छुट्टी का अच्छा। दिन था, नीचे क्लब में गया हुआ था, तो उठ के चल दिया। मैंने कहा अभी टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। अब हमारे मित्र का वेबिनार सुशील वत्स जी आवाज है। बोलिए। या आज का हेलो सुशील वत्स आज जी, शुभ का संध्या। शुभ हेलो संध्या नमस्कार। आपको। मैं यस, कैसे हैं सर? हाँ ब्रह्मांड के ऊपर हूं। बस उसी वाला प्रणाम। आपको मिस कर दिया था। सॉरी बहुत भाई अच्छा साहब, लगा नमस्कार। सुशील जी आपको देखकर, नमस्कार, बहुत मैंने अच्छा उनका लगा। मैंने मैंने प्रणाम नहीं, किया इसीलिए आपको। सुशील जी जी, उसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब अगर जी मृदुल जी ने कुछ हम पे उपकार किया है तो वो जी रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, और लिंक भेज जी देंगे। हम लोग सुशील वत्स जी को भी सुनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भी नहीं, समय दिया है मुझे। अरे सुशील जी बहुत बड़े आदमी है भाई, वो छोटे काम वाम नहीं है, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। सर इनको, सहनी जी आप इनको जरा वो भेज दीजिए, हमारी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। मैं भेज दूंगा सर आपका रिकॉर्डिंग। जी मैं भेज दूंगा, उनके व्हाट्सएप पर मैं डाल दूंगा सर। जी थैंक यू, धन्यवाद। बोलिए ना, धन्यवाद। अभी अपनी भाषा कुछ बोलते जाए भाई, हम इतनी अंग्रेजी बोलिए बोल बोल के बस थक गए, क्या करें। ये। अभी अभी जो हमारा जो प्रस्तुतिकरण है ये भी अंग्रेजी में है, लेकिन क्या करें, जगह लोग चाहते हैं कि भाई, लेकिन जहाँ हो अपने लोग हो तो अपनी भाषा में बात करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, जो बिल्कुल बिल्कुल जो स्पंदन होता है अपनी भाषा में वो बस अलग ही है। बिल्कुल। नहीं, मुझे परसों बहुत अच्छा लगा जब आपने आपने बोला ना कि ग्रैंड सनी आपका पोता आया था मेरे पास में। वाकई मेरे को इतना अच्छा लगा। वो जर्मनी में सर, जर्मनी में वो पांच भाषाएं बोलता है, कहता है एक थर्ड क्लास जर्मनी है, मुझे बुला लो, टिकट भेजो मेरे लिए। जर्मनी उसको पसंद नहीं है। तो जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश, बाकी अपनी भाषाएं तो बोलेगा बोलेगा। मैंने सुशील जी, मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैंने आपको दे दिया हूँ। जी थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ ये दो वो ये कुछ याद दिलाना पड़ता है। अच्छा ना कुछ तो प्रभाव पड़ना चाहिए भाई। धन्यवाद। नहीं, हाँ चूंकि हम लोग अभी यहाँ पर हैं तो हमारे सर, सामने में सब खुला हुआ है, तो मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ ना। पिछला जो था वो हमने हिंदी में बनाया था, लेकिन ये यहाँ पर बहुत चलेगा। अभी जो प्रेजेंटेशन है यहाँ, रोटरी क्लब वाले बहुत पूछ रहे हैं, तो मैंने इसको अंग्रेजी में बनाया है, अच्छा, लेकिन बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे। आज हम लोग का 445वां दिन है सर। 455, 554। हम लोग का समय पूरा हो गया। मैं आप हाँ सबको तो म्यूट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट डॉक्टर ठीक है, पटेल।
और वैष्णवी जी आप मीटिंग को शुरू कीजिए। सर। शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं IFPH एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक कार्यकर्ता और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक ही मंच पर सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों को एक साथ लाने का उद्देश्य रखता है। IFPH दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हम सभी 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। आज के हमारे पास वक्ता और स्पीकर के रूप में हैं डॉक्टर पटेल बीजी सर। डॉक्टर पटेल बीजी एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं, शिक्षक हैं और आध्यात्मिक नेता जिनके पास 50 वर्षों का अनुभव है। डॉक्टर पटेल के पास MG और मुंबई से पुनर्वास की तकनीक में स्नातकोत्तर है। वह बेंगलोर में 2 क्लिनिक चलाते हैं और युवा विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक प्रसिद्ध लोक वक्ता डॉक्टर पटेल ने विभिन्न मंचों पर विभिन्न विषयों पर भाषण दिया है। वह 1990 में रोटेरियन हैं और सर्वेश्च अध्यक्ष AG JDG और युवा के लिए उत्कृष्ट जिला निदेशक के रूप में उन्होंने सेवा भी की है। हम आपका स्वागत करते हैं सर, ओवर टू यू। Over to me okay in English. That's fine. So great. Dr. Vaishnavi ji, thank you very much. धन्यवाद आपका. अच्छा देखिए, आप PPT शेयर कर सकते हैं सर। हाँ अभी यह ऐसा हो गया है कि जो भी वस्तु बाहर मतलब अर्थात अमेरिका में, इंग्लैंड में या वेस्टर्न कर जो भी निकलेगा, सबसे पहले उसको अपनाने वाले भारतीय हैं. तो उसी के संबंध में आगे हमने एक कार्यक्रम बनाया है. मैं अपना पावर पॉइंट शेयर करूंगा. सैनिटाइजर, साइड इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस. लेकिन इसके साथ और भी है जो हम लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं और उसके जो विपरीत परिणाम हैं उसके बारे में थोड़ी सा हमको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और कई लोगों के साथ हमारा संपर्क बना रहता है, पेशेंट्स के साथ बना रहता है, रोगियों के साथ बना रहता है. तो उनको बताना हमारा कर्तव्य है. जो भी टीवी में आएगा वो तो लोग प्रारंभ करते हैं उपयोग करने का. आप धोने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। घरों या बाहर पानी हो ना हो, घर पे सिखाई अच्छी आदतें अब बाहर भी जाएंगी क्योंकि डेटॉल हैंड सैनिटाइजर करें घर वाले हैंड वॉश के साथ साथ। 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा, तभी तो माँ माने सिर्फ डेटॉल का खिलाना। ये आप सब लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा है और कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो हम सब लोगों को प्रभावित कर रहे हैं. प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, लॉट ऑफ हेल्थ प्रोटोकॉल्स वेर प्रिस्क्राइब्ड. मतलब कई चीजें आ गई हैं जो कोविड को रोकने के लिए प्रयास, हर तरह के मतलब हाथ 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 मत मिलाओ, नमस्कार करो और डेटॉल का उपयोग करो और कई चीज बातें आई थी पैंडेमिक को रोकने के लिए, कोविड को रोकने के लिए. स्पेशली इसके बाद जो ये सैनिटाइजर्स का उपयोग इतना बढ़ गया है, उनकी बिक्री इतनी होने लगी है और किसी ने बताया मुझे डेटॉल कंपनी अब तक जो कमाई की है केवल इस कोविड से, डेटॉल की सेल इतनी बढ़ गई है कि उसने सारा उससे दुगना उसका लाभ हो गया है. अब कोविड कितना रुका है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जो सैनिटाइजर्स हैं इनकी बिक्री बहुत बढ़ गई है. हैंड सैनिटाइजर इज अ लिक्विड, ये जेल फॉर्म में आएगा, जेल में आएगा, फोम में आएगा एंड इट्स यूज्ड टू किल मेनी वायरस. मतलब सारे जितने बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबको ये मार देगा, ये उनका जो क्लेम है. और ये कभी कभी स्प्रे के रूप में भी आता है और वाइपर्स में भी आता है.
According to sanitizer, their products kill 99.9% of germs, including bैक्टीरिया, फंगई एंड वायरसेस। ये कहते हैं ना कि 99%, 9% पूरा ये मार देगा बैक्टीरिया फंगई। आप सोचिए, एज ए डॉक्टर, इज इट राइट, ये ठीक है? सैनिटाइजर किल्स द बैक्टीरिया दैट आर बेनिफिशियल टू आवर बॉडी, हेल्थ बैक्टीरियल कम्युनिटी। हमारे जो शरीर में आवश्यकता है बैक्टीरिया, उसको भी मारेगा। अगर 99%, 9% वो मारेगा, तो अच्छे बैक्टीरिया भी मरेंगे। अकॉर्डिंग टू सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, हैंड सैनिटाइजर विद एंटी बैक्टीरियल इंग्रीडियंट्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन है, ये बहुत बड़ी संस्था है। उसने बताया, अगर 99% बैक्टीरिया मर गए, तो जो आगे बैक्टीरिया उठेंगे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएंगे, एंटीबायोटिक से नहीं मरेंगे वो। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डेवलप द एबिलिटी टू टॉलरेट द ड्रग दैट अदरवाइज शुड बी एबल टू किल देम। मतलब वो यही हो गया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, उसके बाद कोई दवाई काम नहीं करेगी। द की एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सैनिटाइजर, सैनिटाइजर में असली बात ये होते हैं, एंटीसेप्टिक फेनॉल कॉल्ड एज क्लोरो ऑक्सीनॉल, बी ब्रिटिश फार्मेसी में 4.8% कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका वेट टू वॉल्यूम। कंपाउंड सच एज ग्लाइसरॉल मे बी एडेड टू प्रिवेंट ड्राइंग द स्किन। जो पहला जो क्लोरो ऑक्सीनॉल है, ये जब उसका उपयोग करेंगे तो हाथ सूख जाएंगे, तो हाथ सूखने से बचाने के लिए वो लोग ग्लाइसरॉल यूज करेंगे, उसमें मिलाएंगे। सम वर्शन कंटेन्स फ्रेग्रेंस, कुछ कुछ सैनिटाइजर बड़े खुशबू वाले होते हैं, उससे और भी ज्यादा हमें रिस्क है। डिस्क्राइब, इससे एलर्जिक रिएक्शंस बहुत होते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड हेल्थ इश्यूज इंक्लूड स्किन इफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और श्वास कोश में बहुत सारा ये तकलीफ कर सकता है सैनिटाइजर। आप लोगों को आश्चर्य होगा, सैनिटाइजर हाथ धोते हैं इतना इतना डाल के, डबल डबल डाल के धोते हैं। द यूज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड परक्लोरीन ऑल्सो हैड ए हाई चांस ऑफ हैविंग रेस्पिरेटरी इफेक्ट। ये जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये दो जो उसमें हैं, ये श्वास कोश को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, बहुत नष्ट हो जाता है। कंजम्पशन ऑफ बाई चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12 कुड लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया, एपनिया और एसिडोसिस। कभी कभी ये होता है कि बच्चों के मुंह में चला जाता है, कहीं भी जाता है, हाथ ऐसे नाक रगड़ते हैं उससे, तो इट कैन कॉज ये सारी बातें होगी। एपनिया होगा, हाइपोग्लाइसिमिया, शुगर एकदम कम हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। नॉन अल्कोहल बेस्ड वर्शन टिपिकली कंटेन बेंजाइल कोनियम क्लोराइड और ट्राइक्लोसैन, बट आर लेस इफेक्टिव देन अल्कोहल बेस्ड वर्ज। जिसमें अल्कोहल बेस्ड होता है वो अधिक बैक्टीरिया मारता है, जो अल्कोहल नहीं होता है वो कम बैक्टीरिया मारता है। रिस्क फैक्टर्स फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए हानिकारक है, ये देख लीजिए। हैंड सैनिटाइजर कैन हैव रिस्क टू चिल्ड्रंस आइज, अगर आंख में लग गया, गया। फेस, चेस्ट एंड स्किन ड्यूरिंग कंजम्पशन और एक्सेसिव यूज। अभी जो आपने एडवर्टाइज में देखा है, देखो उसने कितना डाला है हैंड सैनिटाइजर। अगर उसने ऐसे नाक रगड़ लिया या आंखों में ऐसे कुछ कर दिया तो गया। दिस इज बिकॉज चिल्ड्रन हैव ए हायर स्किन सेंसिटिविटी। द सीडीसी नोट्स दैट चिल्ड्रन आर पर्टिकुलर एट रिस्क ऑफ इंजेस्टिंग हैंड सैनिटाइजर। कभी कभी वो नाक रगड़ने से अंदर चला जाएगा, या कभी कभी वो सेंट है उससे जाएगा, कभी कभी वो मुंह में डाल लेते हैं बच्चे। एक्सेसिव यूज कैन मेक योर हैंड्स ड्राई, अधिक उपयोग करोगे हाथ सूखे सूखे हो जाएंगे। सैनिटाइजर शुड नॉट बी इंजेस्टेड एट ऑल, मतलब ये पेट के अंदर जाना ही नहीं चाहिए। कैन लीड टू कोरोजन ऑफ द म्यूकोजा इन द ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डायरिया, वॉमिटिंग, सब कुछ हो सकता है। लूज मोशन होंगे, आपको उल्टी आएगी, पेन होगा, क्योंकि ये कभी बाई मिस्टेक, गलती से भी मुंह में चला गया तो ये सब हो सकते हैं। लंग एस्पिरेशन और पल्मोनरी, मतलब लंग में गया तो बहुत ही ये प्रॉब्लम कर सकता है। इट कैन इवन कॉज कार्डियक अरेस्ट।
कितना हानिकारक है ये। मार्च 2012 सिक्स कैलिफोर्निया टीन टीनेजर्स वर हॉस्पिटलाइज्ड विद अल्कोहल पॉइजनिंग, ये रिपोर्ट है कैलिफोर्निया का कि 6 बच्चे को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि दे ड्रैंक सैनिटाइजर को पी लिए थे। कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड डैमेज विजन इफ इट गेट्स इन टू आई, अभी मैंने बताया था अगर ये आंखों में चला गया तो अंधे भी हो सकते हैं और विजन में भी डिफरेंस आ सकता है। डैमेज टू नर्वस सिस्टम, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डेथ, मृत्यु भी हो सकती है, वो बेहोश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इसको बड़े संभाल कर और बड़े एहतियात के साथ इसका उपयोग करना चाहिए। इंजेस्टिंग एंड इनहेलिंग सैनिटाइजर एवरीडे कैन इंक्रीज योर रिस्क फॉर अल्कोहल पॉइजन, प्रतिदिन 3 4 बार 5 बार 6 बार अगर धोते हो सैनिटाइजर से, कुछ ना कुछ तो नाक में जाएगा ही जाएगा और उससे आपको अल्कोहल पॉइजनिंग का रिस्क भी होता है। देखिए, अल्कोहल कंटेंट टू हाई टू बी सेफ, एथेनॉल इज डीनेचर्ड समटाइम्स विद टॉक्सिक केमिकल्स, मे कंटेन पॉइजनस आइसोप्रोपेनॉल और मेथनॉल, कंटेन्स अदर इनएडिबल इंग्रेडिएंट्स, कैन कॉज अल्कोहल पॉइजनिंग, ब्लाइंडनेस, ऑर्गन डैमेज एंड अदर थिंग्स, अभी हमने सब देखा। ए स्टडी पब्लिश्ड इन जर्नल ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंटल मेडिसिन, फार्म वर्कर्स जो खेतों में काम करते हैं उनको कहा गया था भैया हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करो। इमीडिएटली दे हैड इंक्रीज लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन देयर बॉडी, उनके शरीर में पेस्टिसाइड्स बढ़ गए थे। रिसेंट स्टडीज हैव रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट वेदर ट्रिक्लोसैन माइट बी हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ एज स्टडीज ऑन द कंपाउंड आर स्टिल गोइंग ऑन। हार्मोनल इम्पैक्ट, कैन यू बिलीव, क्या आप विश्वास कर सकते हैं, हार्मोन पर भी ये प्रभाव डाल सकता है। ट्राइक्लोसैन कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये हमने पहले पढ़ा है। एफडीए से ट्राइक्लोसैन में लीड टू हार्मोनल डिसरप्शन, ये जो है केमिकल ये हार्मोन्स को भी इफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अगर महिलाएं हैं तो मेंसेस के डिस्टरबेंस हो सकते हैं, पुरुष है तो टेस्टोस्टेरोन में इफेक्ट हो सकता है। इफ योर हैंड सैनिटाइजर इज सेंटेड देन इट्स लाइटली लोडेड विद टॉक्सिक केमिकल्स, अगर उसमें आपको सेंट मिला है मतलब खुशबूदार हैंड सैनिटाइजर है तो बिल्कुल ध्यान रखिए उसमें केमिकल्स है जो शरीर के लिए हानिकारक है और अपने लिए ठीक नहीं है। 2011 में एक स्टडी हुआ था, रिसर्चर्स फाउंड दैट हेल्थ केयर एम्प्लॉयज को उनको सैनिटाइजर दिया गया, सैनिटाइजर को हाथ धोने के लिए साबुन पानी की नहीं भैया सैनिटाइजर उपयोग करो, एंड दे हैड प्रॉब्लम ऑफ नोरोवायरस। नोरोवायरस में जो भी होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस पैदा करता है और बच्चों में अधिक होता है, उल्टी आएगी और शौच डायरिया लूज मोशंस होंगे, और ये केवल सैनिटाइजर उपयोग करने से इसका यह प्रभाव पड़ा। ड्राइंग इफेक्ट, अल्कोहल वाइल इफेक्टिव एज एन एंटीसेप्टिक कैन ऑल्सो ड्राई आउट अवर स्किन, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर कैन लीड टू ड्राई फ्लेकी स्किन, इंक्रीज सेंसिटिविटी कैन पिकअप जर्म्स, ये याद रखिए। हम लोग धोते हैं सारे बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन जब हमारा स्किन सेंसिटिव हो जाता है, सूखा हो जाता है, फ्लेकी हो जाता है, तो उससे जर्म्स जल्दी आ जाते हैं और अधिक हानि पहुंचाते हैं। इफ यू हैव एक्जिमा हैंड सैनिटाइजर कैन वर्सन योर सिम्टम्स, ये तो हम प्रतिदिन देखते हैं, हमारे पेशेंट्स कहीं आते हैं कि सर ये कहते हैं भैया आप ग्लव्स पहनो, सैनिटाइजर का उपयोग मत करो। आफ्टर हैंड सैनिटाइजर ड्राइज ऑन योर हैंड्स यू मे नोटिस इची रेड और डिसकलर्ड एक्जिमा पैचेस, जिसको कुछ भी नहीं है और जिसका स्किन सेंसिटिव है और वो बार बार उपयोग कर रहा है हैंड सैनिटाइजर, तो ये सब हो सकते हैं। एलर्जिक टू अल्कोहल, अल्कोहल एलर्जी सिम्टम्स, अंडर नॉर्मल कंडीशन आवर बॉडी इज कवर्ड विद बैक्टीरिया, ये देखिए एक समझने वाली बात है। बैक्टीरिया हमारे शरीर में हर जगह है और लेकिन वो आवश्यक भी है, जब वो बैक्टीरिया कहीं और जाता है, कोई और भाग में जाता है, तब समस्या उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इसके इसके लिए आप सारे बैक्टीरिया मार दोगे तो आपकी इम्यूनिटी भी इफेक्ट होगी।
दीज बैक्टीरिया आर इन हार्मनी विथ आवर बॉडी एंड आवर बॉडी हैज इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू देम, अपने आप को कर लेगा। लेकिन उसको हम 99% सारे बैक्टीरिया निकाल देंगे तो बस शरीर पर प्रभाव पड़ेगा उसका। दे लिव देयर, दे ब्रीड देयर, दे डाई देयर एंड द साइकिल कंटिन्यूज एंड वी रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम इन द सेफ वे। दिस इज योर वाइटल फोर्स डज दैट। नाउ कैसे उसका उपयोग करना चाहिए? हैंड सैनिटाइजर का ऑलवेज सुपरवाइज। चलो बच्चों अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसको सुपरवाइज करो और एक थोड़ा सा डालो, 3-4 बार, जैसे टीवी में दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, इतना इतना वो डाल ले रहा है और हाथ में धो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा। और दिन में 1 या 2 बार, हर बार कुछ भी करोगे सैनिटाइजर डालो, कुछ भी करोगे सैनिटाइजर, नहीं करना चाहिए। आफ्टर यूज वेट अंटिल योर हैंड्स आर कंप्लीटली ड्राई बिफोर टचिंग योर आईज और योर फेस। ये बच्चों को समझाना है क्योंकि आप पहले सूखने दो हाथ पर हाथ, उसके बाद आप कभी कहीं आपका हाथ अगर आंख में लग जाएगा तभी कोई बात। अगर कच्चे हाथ में पानी वैसे ही है, आपने सैनिटाइज धो लिया और बच्चे ने आंख मल लिया, बस आई इन्फेक्शन भी हो सकता है और उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। स्टिक टू एक्सटर्नल यूज ओनली, नेवर इनजेस्ट और टेस्ट हैंड्स। कभी कुछ लोगों को आदत होते हैं कि चलो यार देखें कैसा, वो टेस्ट भी कर लेते हैं। बच्चों बच्चों को क्या मालूम, वो टेस्ट भी कर लेते हैं और बस उससे उसका जो विपरीत परिणाम है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो होते हैं। अप्लाई ए मॉइस्चराइजर आफ्टर द हैंड सैनिटाइजर हैज ड्राइड। हैंड सैनिटाइजर यूज करो फिर मॉइस्चर यूज करो, दो दो चीज पे खरीदते जाओ। कीप हैंड सैनिटाइजर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस टू प्रिवेंट अल्कोहल इवेपोरेशन। जब तक उसमें अल्कोहल है वो इफेक्टिव है, उसके बाद इफेक्टिव नहीं रहेगा। नेचुरल सैनिटाइजर एलोवेरा से बहुत बनते हैं, टी ट्री ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं आपको, उसका उपयोग करें। ड्राई DIY डू इट योर सेल्फ सैनिटाइजर बहुत मिलते हैं, आप YouTube में जाइए, सबको रेसिपी मिलेगी आपको, वो कीजिए अगर चाहते हैं तो। सोप वाटर एम्फसाइज दैट हैंड वॉशिंग इज ऑफन मोर इफेक्टिव एंड सेफर देन ओवर यूजिंग सैनिटाइजर। आज भी साबुन से हाथ धोना ठीक है फिर भी कंपेरेटिव टू सैनिटाइजर। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बहुत आजकल आ रहे हैं, नॉन टॉक्सिक अल्टरनेटिव्स हैं, आप यूट्यूब में ढूंढिए, गूगल में ढूंढिए, बाबा गूगल आपको मार्गदर्शन करेंगे। एम्फोसिस ऑन बैलेंसिंग सैनिटाइजर यूज विथ अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल साइड इफेक्ट, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। और जितना भी है आप देखो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं इस पर आप ध्यान दीजिए, एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है? टू इंक्रीज देयर सेल्स, नॉट दे आर नॉट कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, हेल्थ पार्ट इज ओनली बेयर मिनिमम। एनकरेजमेंट टू सीक सेफर अल्टरनेटिव एंड प्रैक्टिस प्रॉपर हैंड हाइजीन। ये हो गया सैनिटाइजर वाले। अब हम आते हैं आजकल जो बहुत चल रहा है, ये है टिश्यू पेपर। सर पे आई बुराई सफाई तो कर दी है बस, वक्त जब हो जाती है तो मिट भी जाती है बस। टेक टच टेक टच टेक टच टेक टच जब सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग और अब्सॉर्बेंट टिश्यू का साथ कर फिर क्या फिक्स है फिर बात टेक टच। देखा इतना बढ़िया एडवर्टाइजमेंट, इतना अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, सो पीपल स्टार्ट यूजिंग इट, अब लोग उसका उपयोग करते हैं। टिश्यू पेपर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स, प्रकृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जरा देखिए आप। टिश्यू पेपर हर जगह आजकल उपयोग हो रहा है और स्पेशली जितने शहर हैं जितने नगर हैं उसमें तो बहुत अधिक हो रहा है, हर जगह हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर हाइजीन पर्पस। कॉमन टाइप्स इंक्लूड टॉयलेट पेपर, फेशियल टिश्यूज, पेपर टवल्स, कार टिश्यू, किचन टिश्यू एंड नैपकिन। हर एक अलग 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 टिश्यू है। आप देखिए जो घर में उपयोग करते हैं, कार में यूज करते हैं, पेपर टवल्स हैं और किचन में यूज करते हैं, नैपकिन है इसके। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डिस्पोजेबल पेपर प्रोडक्ट्स ग्लोबली इज इंक्रीजिंग।
अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, कैफे में, हाँ, और जितने बंडल से बंडल बाकी वस्तु कितने वहां आते नहीं मालूम, लेकिन ये जो है ये बहुत चलता है टिश्यू पेपर। अभी जब भी हम लोग होटल जाते हैं, अरे टिश्यू ले आ, छोटू टिश्यू ले आ, 10 10 टिश्यू, 5 5 टिश्यू हम लोग उपयोग कर रहे हैं हाथ पहुंचने के लिए। सोचिए जरा आप, टिश्यू पेपर्स आर ओवरटेकिंग क्लॉथ नैपकिन्स एंड कर्चीफ्स एज टिश्यू पेपर इज थ्रोन अवे आफ्टर इट्स यूज विल कट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। ये हमारा एक अभिप्राय है कि टिश्यू पेपर हाथ पहुंच लिया और फेंक दिया तो सारे बैक्टीरिया या इन्फेक्शन खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले हम लोग जाते थे होटल में तो बहरा जो है वो टॉवल्स नहीं आता था, कपड़े के टॉवल रखते थे वो हम लोग उपयोग करते, आजकल एवरीथिंग इज टिश्यू। टिश्यू पेपर नैपकिन, हाँ वही, खाना खाने के बाद जिसमें हम रईसी देखो दिखाते हुए मुंह पोंछते हैं, और जब भी आप कहीं होटल वगैरह में जाते हैं तो एक नहीं बल्कि चार चार यूज करते हैं। और भैया करे भी क्यों ना, फ्री में जो मिल रहा है कि नहीं। स्टेटिस्टा के अकॉर्डिंग 2018 में हर एक व्यक्ति साल भर में 123 ग्राम टिश्यू पेपर यूज करता था, और वहीं पर अभी 2024 में ये बढ़कर 8.6 किलोग्राम हो गया है। यानी कि आप एक साल में 8.6 किलोग्राम टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बड़े बड़े रिसर्चर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 में टोटल 14.5 बिलियन किलोग्राम टिश्यू पेपर यूज किया जाएगा। तो इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि 2024 और आने वाले समय में टिश्यू पेपर का बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है। पेपर इज प्रेडोमिनेंटली मेड फ्रॉम वुड, ये तो आप जानते हो, लकड़ी लकड़ी से बनता है, पेड़ों से बनता है, ऑफन सप्लाइड थ्रू एक्सटेंसिव लॉगिंग ऑफ फॉरेस्ट। इससे क्या होता है, जंगल कट जाते हैं, दिस प्रैक्टिस डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम, डिस्ट्रॉयज हैबिटेट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो आजकल हम वातावरण में प्रदूषण ये वो हम सारे बातें कर रहे हैं, जो जितना टिश्यू पेपर का उपयोग करेंगे उतना उसमें हम लोग और भी जोड़ रहे हैं, कितने पेड़ कटेंगे, क्योंकि जितना आप उपयोग करोगे उतने पेड़ काटने पड़ेंगे, वरना टिश्यू पेपर बनेगा कैसे। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, डिफॉरेस्टेशन है सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस इंक्लूडिंग सॉयल एरोजन, मतलब जो अभी आप लोग देख रहे हो जो बाढ़ आएगी हिमाचल प्रदेश में, मतलब ये पहाड़ पहाड़ गिर गया, केरला में गिर गया, ये सबका कारण जो है इकोलॉजी में इफेक्ट हो रहा है, वातावरण में परिवर्तन, बहुत परिवर्तन हो रहा है, पेड़ काट रहे हैं हम लोग, कि कोई भी कारण हो पेड़ पेड़ काट रहे हैं, और एक कारण है सबसे अधिक कारण ये टिश्यू पेपर का। अप्रोक्सीमेटली अब सोचिए आप, 27,000 पेड़ कट रहे हैं हार्वेस्ट डेली फॉर टॉयलेट पेपर मैन्युफैक्चरिंग, विच एड्स अप टू 15 मिलियन ट्रीज, 15 लाख या 15 जितने भी है ट्रीज एक साल में कट रहे हैं हर जगह। ये थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन मिला है, और आज के दिन में तो इससे दुगना हो गया। इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी टू मेक टिश्यू प्रोडक्ट्स एज पल्प इज ड्राइड इनटू शीट्स यूजिंग मशीन्स दैट आर लाइक जेंट हेयर ड्रायर्स। इतने बड़े बड़े मशीन का उपयोग होता है, जो पेड़ों को काटेंगे उसका पल्प निकालेंगे, उसको फिर टिश्यू पेपर बनाएंगे, सफेद बनाएंगे, कितने केमिकल्स ऐड करेंगे आप जरा सोचिए। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग पल्प रिक्वायर्स वाटर विच इज एसेंशियली वेस्टेड एंड हार्म्स द एनवायरमेंट एज वेल। एक टिश्यू पेपर बनाने में जितना पानी उपयोग होता है, अगर वो रोक दे तो सबके लिए पीने के लिए पानी बराबर हो जाएगा, लेकिन वो नहीं है, हम अधिक से अधिक पानी उसमें उपयोग कर रहे हैं। इनफैक्ट 37 गैलन्स ऑफ वाटर, 140 लीटर्स नीडेड टू मैन्युफैक्चर सिंगल रोल ऑफ टॉयलेट पेपर। एक रोल टॉयलेट पेपर बनाने के लिए आप सोचिए 140 लीटर का पानी की हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ऑल ऑफ दैट वाटर इज एसेंशियली वेस्टेड विच फर्दर हार्म्स द एनवायरमेंट। अब ये सब इतना जो पानी जाएगा, एक तो बर्बाद हो गया, लेकिन जो पानी निकल के जाएगा बाहर वो भी तो प्रदूषण फैलाएगा। क्लोरीन इज यूज टू ब्लीच द पल्प एंड टर्न इट वाइट। क्लोरीन है, अधिक से अधिक उपयोग करते हैं इसको सफेद बनाने के लिए, और दूसरे केमिकल्स भी ऐड करते हैं, और ये जो है लोकल बॉडी मतलब जितने पानी में है वो जाएंगे पानी में, उसको भी दूषित करेंगे और उससे हम लोगों को समस्या भी होगी। टुडे द मेजोरिटी ऑफ टॉयलेट पेपर इज मेड आउट ऑफ वर्जिन पल्प, मतलब सीधे पेड़ को काटा और उसको
प्रोसेस किया, उसको ये किया वो किया, पूरा ये बनाया और उसको पेपर बना दिए। और केमिकल्स कितने ऐड करेंगे जो प्लांट में है, जो सब कुछ निकाल कर केवल उसको व्हाइट टिश्यू बनाना है, तो आप सोचिए कितने केमिकल्स। हमें मैं दिखाऊंगा आगे। द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ टॉयलेट पेपर मेड फ्रॉम वर्जिन पल्प इज मच हायर देन दैट ऑफ द टॉयलेट पेपर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड वेस्ट पेपर। आजकल रिसाइकल्ड वेस्ट पेपर भी कम मिल रहा है, जो भी है डायरेक्ट प्लांट से, डायरेक्ट पेड़ों से आ रहा है। द टॉयलेट पेपर मैन्युफैक्चर रिलीजेस ग्रीन हाउस, इसको देखिए आप, ग्रीन हाउस गैसेस इन टू एटमोसफियर एज द मोस्ट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज, अभी इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली में, देखिए हर जगह देखिए, अभी बाढ़ आ रहा है यहाँ वहाँ, ये सब का एक कॉन्ट्रीब्यूशन, एक जो है टॉयलेट पेपर जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये भी उसमें योगदान दे रहा है। वाइल टॉयलेट पेपर इज बायोडिग्रेडेबल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एनी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल एमिट ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये है ग्रीन हाउस गैसेस। एक बार आप टॉयलेट पेपर या कोई टिश्यू पेपर बनाओ तो इतना ये सारे गैसेस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैस, हाइड्रोफ्लोरिनेटेड गैसेस, इसको HFC बोलते हैं, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, इतना सब हम सब लोग वातावरण में डाल रहे हैं, और इससे हमें और बीमारियां। और एक जस्ट फॉर थोड़ी बैक्टीरिया निकालने के लिए हम टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे जो उत्पन्न हो रहा है ये सारे कुछ, इससे अधिक बीमारियां फैल रही है। वेट वाइप्स तो ना, जो बिल्कुल पानी वाले आते हैं उसको हम लोग हाथ पोंछते रहते हैं, मुंह पोंछते हैं, फेंक देते हैं, मेड फ्रॉम प्लास्टिक विच मेक्स देम नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेट वाइप्स आर ऑल्सो नोन एज क्लॉग सीवर सिस्टम, मतलब ये जो जितने भी ये गटर को ब्लॉक करने वाले ये वेट वाइप्स है, जो हम लोग जो कहीं पार्टी में गए, भोजन करने गए, वो देगा आपको वेट वाइप, उसे निकाला हाथ से पहुंचा और उसे खा लिया, दैट वेट वाइप, ये बहुत डेंजरस है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा रिपोर्ट, ग्लोबल टिश्यू पेपर कंजम्पशन हैज अप्रोक्सीमेटली 37.6 मिलियन मेट्रिक टन्स इन 2021। आज तो भी 2024 है। अब देखिए, द मार्केट फॉर टिश्यू पेपर इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली एज मोर पीपल अडॉप्ट वेस्टर्न स्टाइल हाइजीन प्रैक्टिस। इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, हम लोग जो भी है वेस्टर्न स्टाइल में जाना चाहते हैं, जो भी है वो वेस्टर्न करना चाहते हैं। आप सोचिए क्या ये उचित है, जस्ट बिकॉज इंग्लिश पीपल, जो अंग्रेज लोग यूज करते हैं तो हम लोग यूज करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। PFAS आर टॉक्सिक, दे आर डेंजरस इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। ये जो PFAS केमिकल्स हैं ये वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है, अल्टर्ड इम्यून एंड थायराइड। अब इससे क्या हो रहा है आजकल, देखिए मैं 50-51 साल से प्रैक्टिस में हूँ। जब मैं बेंगलुरु में आया 30 मतलब 37 वर्ष पहले, 5-6 साल तक तो कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद जो थायराइड केसेस बढ़ रहे हैं आज, तो देखिए आप कोई ना कोई दूसरे तीसरे परिवार में एक ना एक आदमी को थायराइड प्रॉब्लम है, पहले नहीं था। अब ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस जो हम एनवायरनमेंट का बर्बाद कर रहे हैं और PFAS केमिकल्स छोड़ रहे हैं, इससे थायराइड, इम्यून सिस्टम, लिवर डिजीज, लिपिड, इंसुलिन डिसरेगुलेशन, किडनी डिजीज, ये सब कुछ हो रहे हैं, और कैंसर भी एक कारण है इसका। दे आर नोन फॉर एवर केमिकल्स बिकॉज दे नेवर ब्रेक डाउन व्हेन टेकन इन रिमेन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, स्पेशली द PFAS। अब देखिए टॉयलेट पेपर आप पानी में डाल दीजिए, क्या डिजोल्व होता है? नहीं होगा, बस वैसे रहेगा। आप उसको फेंकोगे, कुछ भी करोगे, कहीं ना कहीं तो जाएगा वातावरण में। टिश्यू प्रोडक्ट्स ऑफन कम टू अस रैप्ड इन प्लास्टिक, उसको भी प्लास्टिक में कर दे, कवर करके वो पैकेज करते। प्लास्टिक डजंट ब्रेक डाउन एंड द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन बिलियंस ऑफ एवरीडे प्रोडक्ट्स इज कॉजिंग हैवक इन अवर इकोसिस्टम। हमारा जो इकोसिस्टम इतना बर्बाद हो रहा है, क्योंकि एक तो प्लास्टिक का यूज और साथ में टिश्यू पेपर का यूज। एनवायरमेंट में क्या फर्क पड़ा, हमने अभी देखा सब कुछ, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कट रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि फिर भी हम लोग ना, वी वॉन्ट टिश्यूज, जब भी हम होटल में जाएंगे, अरे टिश्यू ले आ, टिश्यू ले आ, हर चीज ले टिश्यू।
वाटर एनर्जी कंजम्पशन हाई अमाउंट्स ऑफ वाटर, हमने देखा है कि 140 लीटर एक रोल के लिए चाहिए। वेस्ट जनरेशन, टिश्यू पेपर इज ऑफन नॉन रिसाइकलेबल एंड एड्स टू लैंडफिल वेस्ट, इसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं टिश्यू पेपर को, और ये कहीं ना कहीं वो डंप करना ही पड़ेगा। केमिकल एक्सपोजर, टिश्यू पेपर इज ऑफन ट्रीटेड विद केमिकल्स, हमने देखा है क्लोरीन वोरीन से, इसके जो है मात्रा हमारे शरीर में चले जाते हैं। स्किन इरिटेशन, सम इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस स्किन इरिटेशन, जिसको क्लोरीन सेंसिटिविटी है उसको एलर्जी रिएक्शन होते हैं, थायराइड पे इफेक्ट होता है, आयोडीन पे इफेक्ट होता है। एयर क्वालिटी, द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन रिलीज पोल्यूटेंट्स इंपैक्टिंग एयर क्वालिटी, जो जहां भी ये फैक्ट्रीज हैं वातावरण वहां पर बिल्कुल दूषित है, क्योंकि ये सारे केमिकल्स वातावरण में जाएंगे। Before the paper is dyed white with chlorine and chlorine dioxide, which can cause any number of diseases, numerous studies have also shown that recycled paper products, including toilet paper, contain the chemical bisphenol A, or BPA, which can be absorbed through your skin transdermally. BPA is estrogenic. It mimics the human hormone estrogen and plays a role in male and female infertility, early onset of puberty, breast and prostate tumors, and polycystic ovary syndrome. Just think of using toilet paper like taking an estrogen supplement every time you wipe. Put it into perspective, the famous Women's Health Initiative study in the early 1990s tested the effects of supplemental estrogen on women, but the study was forced to stop early because participants began developing cardiovascular disease, stroke, dementia, and cancer. देखिए, इतने रिसर्च में सब कुछ निकला, पीसीओडी भी हो सकता है, कार्डियक इफेक्ट भी हो सकता है, हर जगह इफेक्ट हो सकता है जो केमिकल्स लिबरेट हो रहे हैं इससे। क्लोरीन टॉयलेट पेपर कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूरॉन्स आउट ऑफ ऑल कॉस्मेटिक टिश्यूज। डायोक्सिन, ए ब्लीचिंग बाय प्रोडक्ट, इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक ह्यूमन मेड केमिकल्स। अब देखिए कितने हम लोग, इसके ये ज्ञान है नहीं है मुझे नहीं मालूम। सेंटेड टॉयलेट पेपर, द केमिकल इज इन देम इज ऑल्सो डिसरप्टिंग नॉर्मल पीएच एंड लीड टू ए ईस्ट इन्फेक्शन। ईस्ट इन्फेक्शन के लिए एक एक गर्म। अब यार थोड़ा सोचिए, हम लोग हाथ धोते हैं, टॉयलेट पेपर यूज कर रहे हैं, टिश्यू यूज कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग तो जो अंग्रेजी बोलते हैं घर में, या दे वॉन्ट टू बी मोर वेस्टर्न, शौच करने के बाद टिश्यू पेपर का उपयोग कर रहे हैं, और लेडीज जो टिश्यू पेपर यूज कर रही है दे आर कमिंग विद द इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, पीएच चेंज हो रहा है। तो इसका ध्यान रखें, और हम लोगों को बताना, हम लोगों को ये समझना चाहिए और पेशेंट्स को बताना चाहिए। डायोक्सिन एंड फ्लोरेंस आर हाईली टॉक्सिक एंड कैन कॉज रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, एलिवेटेड ब्लड लिपिड्स, डैमेज द इम्यून सिस्टम, इंटरफेयर विद द हार्मोन्स एंड ऑल्सो कॉज कैंसर। मतलब ये सारे केमिकल जो है हार्मोन्स पर, लिवर पर, अपने प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर ये काम करता है, और इसके नकारात्मक परिणाम है। This is Dr. Rasya Dixit from Dr. Dixit Cosmetic Dermatology, Bangalore. Skin wipes or wet wipes really good for your skin? Well, the answer has to be no. Though it is a very convenient model, you have to imagine that a wet medium or wet tissue is always a great place for a bacteria to grow. So your wet tissue not only contains some cleansing agent, but also contains a lot of preservatives as well as some antibacterial agents, and these might not be actually good news for your skin. It might actually make sensitive skin much worse. It can make normal skin sensitive, and it is not for great for long-term use. The reason is that these products, they contain a lot of medicines like parabens, like antibacterial agents, and these on long-term contact with the skin can produce a lot of redness, sensitivity, and rashes. So, though better on a regular regime not to use a wet wipe to substitute for a face cleanser. So, your soap and cleanser for your body and your hands, and definitely a soap-free face wash for your face is the best option to keep your skin in its best health. What tissue can do? Often bleach, which can cause irritating to vagina and other soft tissues. These chemicals react with organic molecules in the wood and other fibers to create many toxic products. क्योंकि जब ये पेड़ों को टिश्यू में कन्वर्ट करते हैं तो कई केमिकल्स यूज करते हैं,
और उससे क्या होता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हो रहे हैं और इंक्लूडिंग डायोक्सिन, और ये सारा हम पर प्रभाव दिखा रहा है। अल्टरनेट क्या है? रीयूजेबल क्लोथ्स, यूजिंग वॉशेबल क्लोथ्स एज एन अल्टरनेटिव टू डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर। अरे रुमाल रखिए, रुमाल से हाथ पोंछिए, घर जाइए, रुमाल को धोने दीजिए, धोने डाल दीजिए, धो दीजिए, फिर उपयोग कर सकते हैं आप उसको। यूजिंग वाटर बेस्ड क्लीनिंग मेथड्स लाइक विडेट्स टू रिड्यूस द टॉयलेट पेपर। बिल्कुल नहीं, टॉयलेट पेपर यूज मत करो। हम लोग जो पुराने समय से उपयोग करते हैं, धो लो उसके, धोकर हाथ धो लो। इको फ्रेंडली ब्रांड्स, चूजिंग टिश्यू पेपर मेड फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल्स और बैम्बू। अगर उपयोग करना ही है तो कम से कम इसको, इन चीजों का उपयोग करें। नहीं रखते तो क्या याद है कि अंतिम बार रुमाल का इस्तेमाल कब किया था? कॉटन के बने रुमाल टिश्यू पेपर के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होते हैं। सिंगल यूज टिश्यू पेपर कई तरीके के केमिकल से प्रोसेस करने के बाद बनाया जाता है। इसकी पसीने को टिश्यू पेपर से पोंछते हैं। ये केमिकल स्किन के पोर से चिपक जाते हैं। इससे फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। कपड़े के बने रुमाल को इस्तेमाल के बाद धोया जा सकता है। सूखने पर हानिकारक बैक्टीरिया आसानी से खत्म हो जाता है। इनसे ना तो रैशेज होने का डर रहता है और ना ही इन्फेक्शन का। वे उनकी स्किन के लिए ठीक नहीं होता है। रैशेज आने की आशंका रहती है जाता है। आमतौर पर लोग टिश्यू पेपर पर खाने की चीजें रख लेते हैं। पार्टियों में प्लेट्स पर टिश्यू पेपर रखे होते हैं। इसके संपर्क में आने पर खाना भी दूषित हो सकता है। खानी हो सकती है तो रुमाल को ही चुने। कॉटन के रुमाल में किसी तरीके का केमिकल नहीं होता। सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन, टिश्यू पेपर बच्चों को 3 साल की कम उम्र बच्चों को देना नहीं, क्योंकि वो मुंह में डाल लेते हैं, उनको है हर चीज मुंह में डालने की, तो बच्चों को तो टिश्यू पेपर देना ही देना नहीं है। और एक बार अंदर गया, कहीं फंस गया तो बहुत ही दिक्कत होगी। टिश्यू पेपर कन्वीनियंट है, सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाता है ये वातावरण पर। रिड्यूसिंग टिश्यू पेपर यूसेज एंड एक्सप्लोरिंग मोर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव, जितना हो सका उतना कम से कम उपयोग करें, उपयोग ना करो तो और भी बढ़िया है। हर जगह एक ही सवाल, भारत के नंबर 1 हॉट पिक से बेटर कौन है? हॉट पिक से बेटर कोई निकला तो सब ये साइंटिस्ट साहब, सॉरी बेटर है, से बेटर नया ब्रांड एवर हॉट पिक है, 5 मिनट में और आप खुश हो, से भी महंगा है, आप खुश हो वाला नया बेस्ट एवर हॉट पिक, राइट? ट्राई किया? टॉयलेटरीज एंड देर एफ, हम लोग एक साथ सब देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख देख के उपयोग करते हैं ना, उसका प्रभाव देख लो। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट, डिजाइन टू रिमूव हार्ड वाटर, मतलब जो जितने भी गंदगी है उसमें निकालने का प्रयास हम लोग उसके लिए ये सब यूज को उपयोग करते हैं, कैल्शियम होगा, ये होगा, सब सफाई करो। रिमूव सोप स्कम एंड वाटर स्पॉट्स, शावर में है ये, टब में है, सब लिए हम लोग पहले तो रगड़ रगड़ निकाला, अभी तो ये डाला वो डाला, हाथ पी का कोई भी ब्रांड हो डाल दिया और तो सफाई किया। फॉर्मूलेटेड टू क्लीन डिस इनफेक्ट टॉयलेट्स टारगेटिंग स्टेन्स एंड बैक्टीरिया, टॉयलेट्स को भी डिस इनफेक्ट करने के लिए हम लोग ये सब उपयोग करते हैं। कंटेन स्ट्रॉन्ग केमिकल्स टू किल एंड रिमूव मोल्ड एंड मिल्ड्यू, ऑफन फाउंड इन शावर्स एंड अराउंड विंडोज, जो उसके अंदर आसपास होता है उसको निकालने के लिए हम लोग ये टॉयलेटरीज यूज करते हैं। टारगेट द ग्राउट बिटवीन टाइल्स, मतलब जो भी टाइल्स के बीच में गंदगी है वो जम जाता है, उसको निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये सब कुछ ब्रांड नेम्स है। हाँ टॉयलेटरीज क्या क्या, सोप एंड बॉडी वॉश क्लीनिंग, जितने भी है शरीर को बिल्कुल साफ रखने के लिए, सारा डर्ट निकालने के लिए, ऑयल निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। शैम्पू कंडीशनर क्लींस मॉइस्चराइज हेयर रिमूविंग ऑयल्स एंड डर्ट, टूथपेस्ट क्लीन टीथ प्रिवेंट कैविटीज फ्रेश ब्रेथ, डिओड्रेंट एंटी परस्पेरेंट कंट्रोल बॉडी ओडर एंड रिड्यूस स्वेट, ये कुछ हम लोग इनका उपयोग करते हैं। लोशन एंड मॉइस्चराइज हाइड्रेट एंड सॉफ्टन स्किन, मेटल्स आर अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक, और देखो जितने भी कॉस्मेटिक हम यूज करते हैं, पाउडर क्रीम्स, ये सब इसमें मेटल्स होते हैं, एंड ये जो है हम लोग उपयोग जो करते हैं तो ये अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, और स्पेशली हेयर डाई का जो उपयोग करते हैं उसमें कोल टार होता है, और ये सब कहीं ना कहीं लगने से एलर्जी शुरू हो जाता है और शरीर के लिए नष्ट नुकसानदायक है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
A study published this year showed evidence of high content of fluorine in makeup products such as foundation, mascaras, and lip products. Potentially toxic chemicals called PFAS are present in this product. Especially makeup products, जो भी हम लोग मतलब महिलाएं अधिक यूज करती हैं, आजकल पुरुष भी करते हैं, तो उसमें ये सारे मेटल्स होते हैं. और एक बार मैं जितने आप सब लोग डॉक्टर शो में एक बार बताना चाहता हूँ, डॉक्टर बी एम हेगड़े एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका आप एक वीडियो है छोटा सा, वो देखिए, लिपस्टिक पर है, बी एम हेगड़े ऑन लिपस्टिक, ये डालिए, पता लगे उसके बाद कोई महिला लिपस्टिक उपयोग नहीं करेगी. एंड ही इज ए वेरी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट. BHA और BHT केमिकल कंपाउंड्स, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. अभी हमने बताया PFAS उसमें होता है जो बहुत ही नुकसानदायक है. और ये फॉर्मेल्डिहाइड रिलीजिंग प्रिजर्वेटिव्स है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए उपयोग करते हैं. फॉर्मेल्डिहाइड अगेन इज अ केमिकल, वो हमारे लिए नुकसानदायक है. रिसेंट रिसर्च डिटेक्टेड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरिन, जिसमें हाई फ्लोरिन होगा वो थायराइड को भी इफेक्ट करेगा और दांतों पर इफेक्ट करेगा. फ्लोर प्रेजेंस इंडिकेट्स पोटेंशियल, ठीक है. पैराबेंस यूज टू प्रिजर्वेटिव्स लिंक टू हार्मोन डिस्रप्शन. पैराबेंस जो उपयोग होता अभी है, वो डॉक्टर जो बेंगलुरु से बता रहे थे, पैराबेंस होते हैं वो हार्मोन्स पर इफेक्ट करते हैं. थायलेट्स होते हैं, ये फ्रैग्रेंस मतलब जिसमें खुशबू आती है, ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू इश्यूज में प्रोडक्ट मतलब किडनी, टेस्टिस, ओवरीज सब पर इफेक्ट करते हैं. SLS एक केमिकल है, ये सोप में होता है, शैम्पू और ये भी है, स्किन इरिटेशन करते हैं. और ट्राइक्लोसान हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, लिंक टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड हार्मोन डिस्ट्रप्शन. वाटर पोल्यूशन, केमिकल्स फ्रॉम टॉयलेटरीज कंटेमिनेट वाटर. जितने भी हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं टॉयलेटरीज, मतलब मेकअप सामान या सोप जो भी कहो, ये सब जो है हमारे पानी को बर्बाद करती है. गटर में जाते हैं, गटर का पानी कहीं जाता है और उससे बहुत से बहुत केमिकल्स निकलते हैं. अब असली बात आएंगे डाइपर्स पर, ये एक बहुत बड़ी बात है जो बच्चों के. इट मे लीड टू टॉक्सिक. डाइपर्स आर मेड विथ केमिकल्स एंड सिंथेटिक मटीरियल, ये आप लोग जानते हैं. यूजिंग हर दिन में 8 से 10 डाइपर्स यूज करते हैं एक बच्चे के लिए, और लॉन्गर ड्यूरेशन में यूज करने में रात में ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है. इसमें कई केमिकल्स होते हैं जो बच्चों का स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं और स्किन टॉक्सिसिटी करते हैं, और स्किन पे बहुत इसका दुष्प्रभाव होता है. मोर चांस डाइपर्स आर मेड विथ मटीरियल दैट अलाउज अब्सॉर्प्शन ऑफ योर बॉडीज यूरिन. अभी देखिए आप दिखाते हैं ना वो डाइपर्स में, कितना भी पानी डालो वो अब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब जो बच्चा पेशाब या मलमूत्र जो भी करेगा वो सब उसमें अब्सॉर्ब होगा और उसके साथ ही रहेगा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे. आप नहीं सोचेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा उसमें, उसके स्किन पर और उसके बॉडी पर. एलर्जिक रिएक्शन होता है, जैसे बाकी केमिकल्स में हो रही, इसमें भी एलर्जिक रिएक्शन होता है. और बच्चे का जो स्किन होता है वो तो और भी नाजुक होता है. डाइपर रैश एक कॉमन बात है, डाइपर रैश बहुत से बच्चों को होता है जब भी, और उनको डाइपर उपयोग करना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा. जो वेट डाइपर जो अभी हमने बताया था, वेट टिश्यू वो एक ही बात है, उसमें भी कई बैक्टीरिया होते हैं, उसमें कई केमिकल्स होते हैं जो बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है. हाँ, जो बच्चे डाइपर यूज करते हैं वो साधारणतः से शौच नहीं कर सकते, क्योंकि यूजिंग टू पी पी पीइंग एंड पूपिंग इन द डाइपर पेरेंट्स फाइंड इट कैन डू. इसके बाद क्या होगा, जब उनको नेचुरल वे में आप टॉयलेट पे बिठाओगे, पॉटी ट्रेन करोगे, वो नहीं कर पाएंगे, मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि बच्चे को आदत पड़ गई है डाइपर की. सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या है. तो बच्चों को जहां तक हो सके डाइपर उपयोग मत करने दीजिए, या करें तो बहुत कम. अब ये सैनिटरी पैड्स एंड इफेक्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ डाइपर्स गेट डिस्पोज्ड इन एनवायरनमेंट. अगेन फिर भी यही, अगेन वातावरण में ये प्रदूषण पैदा करते हैं, ये डिस्पोज नहीं होता है, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं और हर जगह जो है वातावरण में ये
बहुत से केमिकल्स छोड़ते हैं। इट में सप्रेस इम्यूनिटी, डायपर्स में कॉज यूरिनरी एंड फंगल इन्फेक्शन, इसको ध्यान दीजिए। और बहुत से बहुत इसमें एक केमिकल होता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये डायपर्स में होता है जो इम्यूनिटी को बर्बाद करेगा और इम्यूनिटी को कम करेगा। डायपर्स आर हार्ड इलास्टिक बैंड और प्रेस डाउन बेबी, जब उसको डालेंगे जहां डायपर का आएगा उसमें मार्क आ जाएगा और वहां पर खुजली होगी और इट कैन टर्न इनटू एक्जिमा। ये अगर थोड़ा सा भी आप देखोगे ये लाल लाल हो रहा है तो तुरंत डायपर को निकाल दीजिए। बीते 2 दशकों में डायपर्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। आजकल हम लोग इजी सॉल्यूशंस देख रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इट कैन बी हार्मफुल टू द बेबीज। आजकल जो डायपर्स हैं उसमें भी काफी इट रिमेन्स ड्राई, पेरेंट्स थिंक इट इज गुड और दे मेन क्वाइंटली राइट, बिकॉज आइडियली एवरी टाइम बेबी पासेज यूरिन उसका डायपर चेंज होना चाहिए। यू आर एक्चुअली यू नो गिविंग प्रेशर टू द एब्डो किडनीज का। टू थ्री फैक्टर्स हैं इसके मेनली, वन इस किडनी के ऊपर प्रेशर आता है उसका ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है किडनीज का खास तौर से। दूसरा है बेबी का फ्लो नहीं होता, यूरिन स्ट्रीम इज पुअर। को कपड़े की लकोट पहनाई जाती होती, साथ ही भाई गोट या बिस्तर गीला ना करें। देखो पता चलते हैं इमीडिएटली नीड्स टू चेंज। पुराने जमाने में बच्चों को जो लकोट पहनाई जाती थी वो सूती या मुलायम कपड़े की बनी होती थी, जिनको लेकिन डिस्पोजेबल डायपर बनाने में सेल्यूलोस, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिथीन और माइक्रो फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके ज्यादा इस्तेमाल से डायपर रैश, स्किन डिजीज, एस्थमा और लिवर डैमेज जैसी बीमारियां हो सकती है। अमेरिका के पीडियार बच्चों को लगातार कई नाउ द लास्ट वन इज दिस, कई मेजोरिटी ऑफ सैनिटरी पैड्स आर ब्लीच्ड, जो भी हमने पहले बताया था वही इसमें भी है। जो भी पैड्स बनेंगे उसमें क्लोरीन है, डायऑक्सिन है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। आजकल जो महिला बहुत से लोग हैं जो मतलब बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इसका एक कारण ये है। मेजोरिटी पार्ट्स आर बर्न्ट रिलीजिंग डायऑक्सिन एंड फ्यूरॉन्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये लिबरेट होते हैं, उसमें से परफ्यूम्स है, सॉफ्टनर्स है, अब्सॉर्बेंट, ये सब कुछ उपयोग करते हैं सैनिटरी पैड्स के लिए, क्योंकि वो नरम होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, खुशबू आना चाहिए। लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है, जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, उसकी चिंता करें। इट कैन डैमेज लिवर, किडनी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसको हम लोगों को बताना चाहिए पेशेंट्स को, इसका उपयोग कम से कम करें। Some of the plastic material have the potential to emit toxins like phthalates, समय पहले देख, और VOC, and it can the skin of vagina is so delicate that it can absorb any of the chemicals. These products absorb 18-20 times more than vagina than oral mucosa. It can affect hormones and cause infertility, can increase breast and cervical cancer. इससे क्या क्या हो, सैनिटरी पैड से क्या क्या हो सकता है देख लीजिए आप। रैशेस, वेजन एलर्जी, इन्फ्लेमेशन पेल्विक ऑर्गन्स, हार्मोनल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी, डैमेज इम्यून सिस्टम, माल फंक्शन, थायराइड एटसेट्रा। अब अंत में जो है, एक 2 मिनट में, आजकल हम लोग स्मार्ट वॉच बहुत उपयोग करते हैं। ऑफन ऑफन न्यूमरस कन्वीनियंस बट दे ऑल्सो कम विद पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स एंड हेल्थ कंसर्न्स। नेगेटिवली इफेक्ट मेमोरी एंड मूड, द रिलीज ऑफ एक्सेस EMF वेव्स वेरिएबल्स ऑफन लीड्स टू नॉसिया एंड हेडेक। द मीडियन नर्व विच रन थ्रू द रिस्ट इज कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस वॉच। स्किन इरिटेशन, रैशेस, ये सब कुछ हो रहे हैं। रिस्ट स्ट्रेन इंजुरी, चेकिंग वॉच बार बार हम लोग देखते हैं, उससे रिस्ट पर प्रभाव पड़ता है। स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है ये जो स्मार्ट वॉचेस से, इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन हो रहा है, हार्ट रेट बार बार चेक करते हैं हम लोग, ये बहुत बुरी बात है। और इससे क्या होता है, एंग्जाइटी होता है आदमी को, अरे इतना बढ़ गया, इतना घट गया, कुछ करो। मेडिकल इम्प्लांट, स्मार्ट वॉचेस में इंटरफेयर विद दी, कोई भी पेसमेकर होगा या कुछ और होगा जिस शरीर में लगा है उस पर ये प्रभाव डालेगा। साइकोलॉजिकल सोशल इफेक्ट्स,
ओवर एम्फोसिस ऑन हेल्थ मैट्रिक्स, एक ऑब्सेशन आ जाएगा, अरे यार मैंने इतने स्टेप लेने हैं, आज मैंने इतने कैलोरीज बर्न करने हैं, आज मैंने इतना कुछ नहीं खाना है, ये करना, ये यू बिकम एडिक्टिव और एंग्जाइटी होगा और ये आपके लिए बीमारी बन जाएगी बार बार उसको चेक करना। सोशल कंपैरिजन, फिटनेस, अरे उसने उतना किया मैंने नहीं किया, मैंने आज मैंने इतना दौड़ना था मैंने नहीं दौड़ा, ये सारी बातें आ जाएंगी। वेयर यूर स्मार्ट वॉच इंटरमिटेंटली, चूज लेदर और ब्रीथेबल स्ट्रैप्स, प्रायोरिटाइज स्लीप एंड स्क्रीन फ्री टाइम, मॉनिटर यूजेज एंड सेट बाउंड्रीज, कंसल्ट अ डॉक्टर इफ कंसर्न, रिमो रात में निकाल दीजिए और एक्सरसाइज करने ओनली उसका उपयोग तभी कीजिए जब आप उसका कोई व्यायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, क्लीन बोथ द वॉच स्ट्रैप एंड अदर थिंग्स, इसको निकालेंगे हम लोग। जी मैं डॉक्टर सिन्हा अमेजोन से आया हूँ। अमेजोन से डॉक्टर डॉक्टर सिन्हा मृदुल कहिए, सिन्हा हमारा आपकी डॉक्टर वाइफ सिन्हा का सर चेकअप करना है। मेरी वाइफ का चेकअप क्यों, क्या हुआ ऐसे? लगता है उनकी तबीयत खराब है। आपको किसने कहा ऐसा? उन्होंने 3 दिन से अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। ये हाल हो गया हमारा है? हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फॉलोइंग वेस्टर्न ट्रेंड्स ब्लाइंडली विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, दे थिंक इट एड्स टू देयर स्टेटस व्हिच डज नॉट। हम लोग क्या है, हर चीज जो वेस्टर्न में आ रहा है उसको हम डायरेक्टली उपयोग करना चाहते हैं सोचे बगैर, क्या हमारे लिए उचित है या नहीं है। अभी देखिए स्पेशली जो सैनिटरी पैड्स हैं, ये जो है वजाइना और बच्चों के लिए एरेशन होना चाहिए, हवा लगनी चाहिए, अब ये पैड जितने पहनते हैं उससे हवा बिल्कुल नहीं लगेगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, इन्फेक्शन होगा। अगर कपड़े का आप उपयोग करोगे इट विल बी हैविंग नाइस एरेशन। मॉडर्नाइजेशन इज नॉट वेस्टर्नाइजेशन। अगर आपको मॉडर्न बनना है तो अंग्रेज की तरह रहने की आवश्यकता नहीं है, यू कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। एक बात बताओ, स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगा दो, ये मॉडर्नाइजेशन होता है। माइक पे पढ़ाओ चिल्लाने से बेहतर है, ये मॉडर्नाइजेशन होता है। वीडियो दिखाओ, ग्राफिक्स दिखाओ, ये मॉडर्नाइजेशन होता है। कि हम हाफ पैंट पे आ जाए पढ़ाने की, बच्चों मैं आज से मॉडर्न हो गया। कि हमें ये अधिकार है कि हम सच बोले कि जिसको आप मॉडर्न कपड़े कहती है वो वेस्टर्न कपड़े हैं। आप कम से कम सच बोलिए, हमको ये बात समझाएंगे कि नहीं। समस्या कहाँ आती है ना, शौक चाहिए वेस्टर्न और इज्जत चाहिए इंडियन। ये एज यूजल हमारे और प्रेजेंटेशंस हैं, जिसको कोई भी कहीं भी उपयोग कर सकता है, कोई प्लेटफॉर्म पर हमें आप संपर्क कर सकते हैं, ये सब हमारे और विषय हैं। धन्यवाद, और कोई प्रश्न हो तो पूछें। बैक टू सहानी सर एंड अदर पीपल। थैंक यू डॉक्टर पटेल सर, धन्यवाद। बोलिए, आपकी भाषा सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया है और एक आई ओपनर है आप लोगों का ये करने बिल्कुल वाला है ना। हाँ इसको एक ने सवाल किया है कि सरकार हाँ इसको बैन क्यों नहीं करती है। सरकार नहीं करेगी, सरकार को पैसा मिलता है। हम लोग इसीलिए तो ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अवेयर करें लोगों को, हमारे पेशेंट्स को बताएं, पहले हम समझें फिर हम समझाएं। क्योंकि कई बार जब जाते हैं यार टिश्यू ले आया यार, वो ले आया यार, सैनिटरी पैड ले आया, हम बिगर सोचे। सो उन्होंने, अच्छा एक छोटी सी बात बताइए, अंग्रेजों ने स्टार्ट किया हाय, कोई मुझे जितने लोग यहाँ बैठे हैं 29 लोग 39 लोग, हाय का अर्थ बता दें, मेरे से 5,000 रुपये ले लें, अभी 5,000 रुपये दे दूंगा, सहानी जी देंगे मेरे मेरे वजह, हाय का अर्थ बताइए। अरे हम लोग क्यों अंग्रेजी बोले, मैं भी अंग्रेजी बोलता हूँ लेकिन क्यों हम अंग्रेज जैसे बने, नमस्कार करो, राम राम करो, जय हिंद करो। तो ये है ट्रेंड सर, सरकार बंद नहीं करेगी, सरकार को पैसा मिलता है कोई भी सरकार आए, और इसके ऊपर बहुत बड़ी लॉबी है, ऐसे थोड़ी है। जितने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं आप देखिए कोई उसमें उपयोग है, पिज्जा इतना एडवर्टाइजमेंट होता है, पिज्जा 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 खाओ, वो क्या नूडल्स खाओ, मैगी खाओ। अब आप सब, हम सब लोग डॉक्टर्स हैं, कोई बोलेगा जाके तू पिज्जा खा ले यार, कोई बोलेगा तू कोको कोला पी ले, कितना एडवर्टाइजमेंट आता है।
सर ये हम लोगों को अपने आप को समझना चाहिए और हम लोगों को बताना चाहिए। हम लोग अपना प्रयास कर सकते हैं। अगर चलो मृदुल जी कभी मिनिस्टर बन गए तो बैन कर दीजिए, वरना ये नहीं होगा। सर आपके मुंह से कुछ तो निकला है मेरे लिए। सर ये वरना के कोई अच्छा आपने बताया कोका कोला का, कई बार मैंने देखा था कोका कोला इज ए टॉयलेट बिल्कुल टॉयलेट क्लीनर। नहीं बहुत। अरे उस पे तो मेरा अलग प्रेजेंटेशन है जो मैं रोटरी क्लब में देता हूँ। सुशील जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर अनम्यूट कीजिए। सुशील जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ सुशील जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, हो जाएंगे। या हेलो सर, कैन यू हियर मी? या हाँ आप जी, आप मुझे मुझे सुन ऑडिबल। सकते हैं? पहले तो मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर बीडी पटेल सर, आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट चुना है, और जिसे कहते हैं कि माइंड ओपनिंग है और बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं पोस्ट कोविड हम किस तरह से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ गया है, बिल्कुल और ये एक जनरेशनल चेंज आ गया है, हाँ, जनरल चेंज। जनरेशनल चेंज आ गया है। दूसरी हाँ बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा वेस्टर्न स्टाइल हाइजीन प्रैक्टिसेस की जो बात की, ये कहना चाहता हूँ इससे हमको जो मिल रहा है, जिसको मैं एक वर्ड और है जिसे हिंदी में भी आप कह दीजिएगा, पर मैं कहूँगा हाइपर हाइजीन। ये बिल्कुल जो हाइपर हाइपर बिल्कुल, वेरी गुड वर्ड, हाइपर हाइजीन हाइजीन। हमें वेस्टर्न लिविंग से मिला है, राजा उसी सुना उसी उसी का परिणाम है कि बीच आज हम सुपर बग को फेस से, कर रहे हैं। बीच में नहीं बोले लोग, जो बात हो रही है तो आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। आज जो सुपर बग आया है वो हाइपर हाइजीन से ही आया है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, वेरी राइट, वेरी राइट। जब जब हाइपर हाइजीन में हम रह रहे हैं, हम प्रकृति में नेचुरली जो उपलब्ध है, वायरस बैक्टीरिया इवन फंगस जो भी सब चीज़ें हैं, उनके बीच में हमने एक एक जिसे कहते हैं एक दीवार खड़ी कर दी है, हम उससे कनेक्ट ही नहीं होते, और जब उससे कनेक्ट नहीं होते तो जब उस सर एक छोटी सी बात जी मैं बताना चाहता हूँ सुशील जी, आपको जी आश्चर्य होगा, मतलब सब लोगों को आश्चर्य होगा, कोविड जवाब जमाने में हम लोग कोविड के ट्रीटमेंट करते थे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जी बता। और आपको विश्वास नहीं होगा, हमने ना कोई वैक्सीन लिया है ना कोई इंजेक्शन बिल्कुल लिया है, और हमको कोरोना नहीं हुआ। हम लोग योग करते हैं प्रतिदिन, शाकाहारी भोजन करते हैं, और अपना नियम है प्राणायाम, ये सब करते हैं। हम लोग क्यों भूल जाए कि ये सब आने से पहले हम लोग स्वस्थ नहीं थे? आर वी जी रियली जी नॉट हेल्दी? बिल्कुल आवर बिल्कुल फोर फादर वाज मच मोर हेल्दी देन अस, हम लोग से अधिक वो स्वस्थ थे, और एक एक महिला 10 10 बच्चे पैदा करती थी लेकिन फिर भी स्वस्थ थी। और आजकल तो एक बच्चे में, नो नो सर, वी कांट अफोर्ड, वी कांट हैव, आई कांट बेयर इट, ये हो गया। हमारे नहीं बिल्कुल, पास पेशेंट आते, सुशील सर बस जी वेरी ने बड़ा अच्छा, डिफिकल्ट। सुशील बस जी ने बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया है, सर हाइपर हाइपर हाइजीन। वेरी अच्छा, वो हाँ अच्छा शब्द ये है। सर, सुशील जी आप तो एक पत्रकार भी हैं, हाँ तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट हाइपर करूंगा कि हाइजीन, इस पर एक आर्टिकल डाल दीजिए और जी बीडी पटेल जी को पकड़िए, उसमें मैं बस अगली बात लेख सर मैं अगली बात मेरी प्रार्थना पटेल सर से यही है कि मुझे ईमेल कर दीजिए, और इसको मैं आर्टिकल के रूप में या बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मेट में बिल्कुल। और अपने मैं एक पोस्ट। आपका जो शब्द है ये बहुत ही हमें अच्छा लगा, हाइपर हाइजीन, बिल्कुल जी हाइपर जी हाइजीन, हाइपर कॉन्शियस हो गए हम लोग। जी ठीक है हाँ सर, बिल्कुल, एक एक मिनट और बाकी है। उससे एक साइक भी क्रिएट हो गया ना, हम उस जैसे आपने कहा कि एक बिल्कुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया है कि आप ये इस तरह से नहीं रहेंगे तो सफाई जैसे नहीं है, जबकि अगर सच में देखा जाए तो जैसे आपने शुरू में ही कहा कि जो सैनिटाइज जो हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, हकीकत में वो हमें सैनिटाइज नहीं कर रहा है, नहीं जस्ट ए फॉल्स बिलीफ। मृदुल जी एक बात है, आज का भी जो रिकॉर्डिंग है वो हाँ सुशील जी को भेज दीजिए सर, सुशील जी को वो आपके आपका पास आ जाएगा। इसके पहले वाला भी रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया हूँ, और जी इसका जी आज का रिकॉर्डिंग कल तक शायद आ जाएगा, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और दूसरी सर बात मैं कहना चाहता हूँ सानी सर को, कि एक तो मेरी तरफ से माफी है कि मैं आज लेकिन पहला ही सेशन आपका ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूँ। और मैं तो सर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जी आपने हमारे सेशन में एक लेक्चर देने के लिए अपना नहीं एक्सेप्टेंस। नहीं वो मेरा सौभाग्य है, हालांकि मैं कोई इसमें निपुण आदमी नहीं हूं, मैं लिखने में ज्यादा निपुण हूँ पढ़ने से,
मेरा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सॉरी आपके सर, संदेश सॉरी सर, हम आपके लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे क्योंकि आपके हम लोग का संदेश ठीक तो हम लोग इसको म्यूट करते हैं आपको सर। और आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैष्णवी जी से, सेशन को क्लोज करेंगे और हमारे नेक्स्ट सेशन जो है उसको हैंड ओवर करेंगे। डॉक्टर वैष्णवी जी, थैंक यू डॉक्टर सहानी, थैंक यू ऑल। या जस्ट अ मोमेंट सर, जस्ट अ डॉक्टर मोमेंट बिंदुराज जी, जस्ट अ मोमेंट सर, आई विल डू इट। लेट मी फर्स्ट कंक्लूड द सेशन, हाफ ए मिनट सर। यस सो थैंक यू सर। हां वैष्णवी जी प्लीज, थैंक यू बोलेंगे सर। सैनिटाइजर, स्मार्ट वॉच, टॉयलेटरीज के बारे में हमें अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नाउ आई एम हैंडिंग इट ओवर टू डॉक्टर बिंदुराज सर। Over to you, sir. Dr. Bindu Raj, now you can take, sir. So-